हेलो, आई एम जय कंटली एम बी बी एस फर्स्ट ईयर फ्रॉम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइवा कैसे होते हैं एमबीबीएस में ना। सो इसमें बेसिकली मैं अभी मेरे मतलब मेन एग्जाम तो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं हुए, तो हमारे इंटरनल असेसमेंट हुए थे, इंटरनल एग्जाम हुए थे, तो उनमें कैसे वाइवा लिया। और बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल अलग तरह से लेंगे नहीं, कि तो मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे नहीं हो ऐसे आपका वाइवा उसमें ले रहे होते, ऐसे तो नहीं होंगे। तो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट रिलेटेड ही हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता होगा वाइवा। तो मतलब मैं मतलब जो हमारा अब हुआ मैं आपको वो बताऊँगा जिससे आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा ना। सो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हुआ हमारा वाइवा। एंड मैं इसमें बेसिकली आपको तीनों सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊँगा, लाइक एनाटॉमी देन हमारी जो फिजियो बायोकेम में कैसे कैसे तीनों सब्जेक्टों में वाइवा हुआ था। तो यहीं पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट में हमारा, तो एनाटॉमी में वाइवा कैसे हुआ एंड मतलब क्या क्या मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से, तो क्या क्या कितनी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम वालों को वाइवा में, इस पर हम इसमें बात करेंगे कि कितना हिंदी आप यूज ले सकते हो, मतलब क्या बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश आपको रिप्लाई देना होता है, क्या बिल्कुल ही इंग्लिश टू इंग्लिश होता है वाइवा, तो इस पर बात करेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट की। तो एनाटॉमी में हमारे जो वाइवा हुआ ना, मतलब जो मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, बेसिकली जो ये वाइवा है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के मतलब उसी के दौरान हुआ था, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तभी हमारा वाइवा लिया गया था सब्जेक्टों में सारों में। मतलब पहले तो हमारा थ्योरी एग्ज़ाम हो गया था, थ्योरी एग्ज़ाम में कोई वाइवा नहीं था, जस्ट हमारे थ्योरी एग्ज़ाम चले थे, उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम खत्म हुए, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसी के दौरान हमारा है वो वाइवा लिया गया था। तो अब इसमें बात करते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट में क्या होता है। एनाटॉमी सब्जेक्ट में हमारा जो वाइवा है वो बेसिकली वाइवा कैसे लिया था, तो इसमें बेसिकली हमारे चार फेज़ थे, हमारे जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें चार फेज़ बनाए गए थे। चार फेज़ों में क्या था कि सब लाइक इसमें पहला लाइक कैडेवर होता है। कैडेवर में क्या है कि कैडेवर में आपको किसी भी मसल वगैरह के अटैचमेंट, इंसर्शन वगैरह, एक्शन वगैरह पूछ लिए जाएंगे, नर्व सप्लाई वगैरह, है ना, ऐसे होता है किसी भी मसल के बारे में, है ना, ये होता है कैडेवर। एंड फिर आप एक होता है दूसरा वाइवा, मतलब दूसरा जो है वो है फेज इसका बोन पे, मतलब बोन वगैरह जितनी भी बोन्स है ना, पूरे बॉडी की बोन्स उसमें रखी होती है, आप किसी भी बोन के फीचर वगैरह एंड उसके अटैचमेंट वगैरह उस पर वो पूछ लिए जाएंगे। एंड तीसरा है वो होता है हिस्टो का। हिस्टो में क्या होता है, हिस्टोलॉजी में लाइक आपको कोई भी एक स्लाइड दी जाएगी, उसके डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा ना, उसके दो तीन फीचर, तीन चार पाँच फीचर आपको लिखने होंगे, ये हो गया। एंड जो चौथा है वो इसमें होता है एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी का भी क्या है कि आपको मतलब हमारे तो ऐसा हुआ था कि एम्ब्रियोलॉजी में स्लाइडें रखती थी जिनमें कुछ डायग्राम्स वगैरह बना रखे थे एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड उससे पूछा था कि ये क्या है, क्या शो कर रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं क्या शो कर रहा है, एंड इसके कुछ फीचर इसके बारे में बताइए, एंड फिर उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें पूछ लेंगे। एक ऐसे ही जैसे कैडेवर में आपको मसल, जैसे कैडेवर आपके सामने रखा होगा, फिर आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी मसल है, अरे यदि आपने मसल बताई तो उसके बारे में फिर आपसे दो तीन जैसे उसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, है ना, एक्शन वगैरह पूछ लिए जाएंगे। सो ये हो गए दो वाइवा। एंड बोन में भी सेम ऐसे ही, पहले तो आपको पर्टिकुलरली बोन पूछेंगे कि बोन कौन सी है, फिर उसके बारे में उसके ऊपर कुछ एक दो मसल के अटैचमेंट वगैरह या फिर उसके क्या क्या पार्ट्स है, हेड नेक कैसे होता है ना, तो वो पूछ लिए जाएंगे। एंड ये होता है ना हिस्ट्रो में भी सेम यही है, पहले आपको पर्टिकुलरली स्लाइड, लाइक आपको स्लाइड दिखाएंगे मान लो, या फिर आपको स्लाइड दे देंगे, है ना, मतलब आपको स्लाइड दिखाएंगे, फिर आपको बताना मतलब वो करना पड़ेगा आइडेंटिफाई कि किस चीज़ की स्लाइड है, फिर उसके बारे में तीन चार फीचर आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये एनाटॉमी के वाइवा ऐसे हो जाते हैं। एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम का क्या है कि इसमें जो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो आप मतलब इंग्लिश मीडियम में ही आप मतलब इंग्लिश मीडियम से ही हो जाती है, मतलब हिंदी की इसमें इतनी नीड भी नहीं होती है। लाइक वो जैसे आपको कुछ भी चीज़ें पूछेंगी ना, तो एनाटॉमी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला कोई नहीं है, इसमें सारे बराबर होते हैं एंड इसमें डायरेक्ट रिप्लाई करना होता है। लाइक आपको अटैचमेंट पूछेंगे तो डायरेक्ट मसल के नाम है, आपको हिंदी मीडियम ही थोड़ी है, ये थोड़ी है आप हिंदी में उनका हिंदी में मतलब उनकी जो इंग्लिश में मसल का नाम है उसका हिंदी नेम निकालोगे, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो यही है जैसे बाइसेप्स तो द्विसरी, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो ये बिल्कुल ही ऑकवर्ड है एंड ये तो ऐसे तो होता ही नहीं है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। एंड मतलब जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स तो मसल का नाम है, वो तो नाम ही रहेगा, है ना, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। और आप रिप्लाई जैसे कोई भी टीचर क्वेश्चन किया एनाटॉमी में तो ऐसे ही करता है, ये जैसे क्वेश्चन किया तो आप यही बाइसेप्स ही रिप्लाई करोगे उसका, तो ये हो जाएगा। मतलब एनाटॉमी में हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता ही नहीं है, यदि आपको आंसर आता है तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो, आपको इतना ज़्यादा इंग्लिश की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें डायरेक्ट आंसर देना होता है आपको, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मतलब नेम
नेम रिलेटेड ऐसे होते हैं, लाइक आपसे कुछ भी जैसे नाम पूछेगा तो आप उसके डायरेक्ट बता सकते हो, एंड जैसे नर्व सप्लाई पूछा तो नर्व आपको डायरेक्ट बतानी है, नाम लेना है जैसे C5 C6, ऐसे आपको डायरेक्ट नाम ही लेना होता है। इसमें कोई बेसिकली लंबी बहुत लंबी लाइन आपको नहीं बोलनी होती है, इंग्लिश में डायरेक्ट जस्ट नेम जैसे मतलब नाम नाम से होते हैं वही आपको बदलने पड़ते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी में वाइवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हिंदी इंग्लिश मीडियम की, एंड आप ऐसे कर सकते हो हैंडल अगर आपको आंसर आता है तो, है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, यदि आपको आंसर आता है तो आप रिप्लाई कर दोगे। अब बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में क्या था कि लाइक हम पहले लाइक प्रैक्टिकल हुआ तो हमारा प्रैक्टिकल के दौरान इसमें वाइवा लिया गया था, प्रैक्टिकल के दौरान ही वाइवा लिया जाता है वैसे तो, है ना। तो इसमें क्या था कि जैसे प्रैक्टिकल जो चल रहा होता है ना हमारा, इसमें लिया था कि जैसे जो प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल कोई दिया मान लें आपके जो एग्ज़ाम में आया तो वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हमारा एक मतलब इसमें ये दो तरह से वाइवा होता है, एक तो टेबल वाइवा होता है फिर एक ग्राउंड वाइवा होता है, ऐसे होता है ना। तो टेबल वाइवा में क्या है कि जब आप पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसी दौरान टीचर आपके पास आएंगे और तब आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, उसमें कुछ भी रिलेटेड आप पूछ लेंगे लाइक प्रोसीजर कैसे किया ये बताओ, या फिर ये जो आपने रिएजेंट यूज़ लिया इसका कंपोजिशन वगैरह ऐसे कुछ भी उससे रिलेटेड मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछते हैं ना, वो आपको देना होता है जवाब। एंड इसमें हाँ अब इसमें बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम की, तो बायोकेम में भी ऑलमोस्ट एनाटॉमी के जैसे ही होता है, मतलब इसमें भी इतनी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें क्या होता है लाइक कुछ ऐसे होते हैं लाइक आपसे जैसे प्रैक्टिकल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रिंसिपल ही पूछा जाता है मेनली, तो प्रिंसिपल तो हर एक इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो वो तो पैराग्राफ ही 2-3 लाइन का होता है, वो रटना होता है तो उसको तो आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश सारे रट लेते हैं, थोड़ा छोटा सा होगा ना और सारे रट लेते हैं सेम बोल देंगे, उसको रट के बोलना होता है उसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कर लेते हैं ना ये तो। एंड अब जैसे मान लो मैं जो है अब आपसे पूछा जाता है प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज आपको यूज लेनी है तो उसमें आप मतलब आप जैसे लोगे कि उसमें मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब मैं कैसे बोलूँ इसको, कैसे बोलना स्टार्ट करो, एक दिन से पूछ ले प्रोसीजर बताओ ना, तो आप तो हिंदी में ऐसे तो बोलोगे कि मैंने पहले ट्यूब ली उसमें इसको विलियन को डाला है ना सॉल्यूशन उसमें डाला, अब ये तो हो गए प्योर हिंदी। एंड अब मान लो आपको वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में बोलना होता है, इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश ही MBBS में है ना, तो अब आपको वहाँ इंग्लिश में बोलना है तो अब क्या है कि लाइक इसमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हिंदी मीडियम वाले इसमें थोड़े अटक जाते हैं, मतलब जैसे पूछता है एकदम से आप बोलते हो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ए ग्लास ट्यूब एंड टेक 3 ml, तो मतलब इसमें थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप बोलोगे टेक 3 ml ऑफ रिएजेंट एंड फिर देन ऐड 2 ml वाटर देन मिक्स वेल आप ऐसे, लेकिन ये है कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको आ जाता है वो थोड़ा थोड़ा ना, आप फिर ऐसे कर लोगे है ना, तो ऐसे आता है मतलब इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मतलब ये है कि जब आप पढ़ के गए हो तो आप कर लोगे, हिंदी में इंग्लिश मीडियम का इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये हो गया। एंड अब इसमें वाइवा है तो वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं प्रिंसिपल वगैरह, एंड कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है जिनके आंसर मतलब वाइवा है उसमें कुछ डायरेक्ट ऐसे जिसको आपको डायरेक्ट बताना होता है, जैसे कि मतलब किसी का एग्जाम्पल पूछ लिए तो आप उसका एग्जाम्पल बताओगे, ऐसे कुछ पूछ लिया है ना, मतलब इसमें भी ज़्यादा ऐसे लंबी लाइनों में रिप्लाई नहीं करना होता है। एंड कुछ चीज़ें होती है बेसिकली जो मतलब सेम जैसे कोई रिएक्शन है वो आपको बतानी है ये हुआ, या फिर किसी की जैसे इंपॉर्टेंस वगैरह पूछ लिया ना तब आपको थोड़ा इंग्लिश यूज़ लेना पड़ता है ना, लाइक अब आप किसी भी चीज़ के बाइल पिगमेंट है बाइल पिगमेंट की इंपॉर्टेंस वगैरह, लाइक कोलेस्ट्रॉल है उसमें क्या क्या है उसका, फिर जैसे हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन का क्या क्या फेट ऑफ हीमोग्लोबिन पूछ लिया आपसे है ना, तो ये है। बट उसमें भी मतलब इसमें थोड़ा आपको हिंदी इंग्लिश यूज लें इंग्लिश में आपको रिप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें भी यही है आप रिप्लाई करो जैसे मतलब यही एक प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम वालों को तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बताने में, बट आप थोड़ा थोड़ा बताओगे ना तो वो आपको समझ आता है, टीचर भी आपकी हेल्प कर देगा, टीचर अगर ज़्यादा ही अगर थोड़ा मतलब उसका बैड बिहेवियर ज़्यादा ही वाला रहा टीचर तो हो सकता है आपको डांटे, बट ये है कि मैक्सिमम आप फर्स्ट ईयर में तो यही करते हैं कि उनको पता होता है कि हिंदी मीडियम वाले हैं तो इतने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं है ना, तो वो भी समझ जाते हैं कि ऑलमोस्ट यदि आप मतलब जो चीज़ आप मेन आंसर आपको पता ही होता है बट आप प्योरी इंग्लिश लैंग्वेज उसकी नहीं बना पा रहे होते हो, लेकिन जैसे आप मेन जो चीज़ है उसको आपको बोलना होता है उसको आप बोलो प्रोफेसर के आगे ताकि उसको पता लगे कि इसको कुछ तो आता है, जैसे आप मेन चीज़ को आप बताओगे तो फिर आपकी टीचर भी वो हेल्प कर देगा प्रोफेसर भी है ना, तो ये है। बट मेन चीज़ जो आंसर है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा है ना, वो तो आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा ये तो, और ऐसा भी नहीं करना है कि उसकी तो हिंदी बनाकर हिंदी में उसको याद करो ऐसे, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल ही अकॉर्ड थिंग है तो ना, ये तो नहीं करना है।
अब तीसरी चीज़ है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में यह है कि भाई आपका प्रैक्टिकल होगा, दैन प्रैक्टिकल में जैसे आप प्रैक्टिकल करें तो इसमें भी ये टेबल वगैरह ग्राउंड वाइवा, तो टेबल वाइवा हुआ तो उसमें भी सेम है आपसे आएंगे तो प्रोसीजर वगैरह ये वगैरह एंड कुछ अदर चीज़ें उससे जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपसे पूछ ली जाएंगी। इसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश में मान लो भाई ये सेम तो मतलब हिंदी इंग्लिश तो होती है कि आपको इंग्लिश में प्राइमरली जवाब देना है, बट कुछ चीज़ें आप हिंदी में बोल सकते हो जैसे कि कुछ मतलब थोड़ी बहुत हिंदी यूज़ ले सकते हो, बट मेनली तो आपको प्राइमरली इंग्लिश में जवाब देना है ना। तो थोड़ी सी बहुत मतलब कुछ जो ज़्यादा इंग्लिश जहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बल कुछ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका आप रिप्लाई कर देते हो डायरेक्ट है ना, जिनके डायरेक्ट आंसर करने होते हैं ऐसा ही आप जवाब आप उनका दे देते हो। ये चीज़ है कि मेन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही पूछते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको डायरेक्ट आंसर करने होते हैं वो कर देता है, उसमें हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इतनी है ना। तो यही है बाकी बेसिकली ऐसे हो जाता है ना। सो ये था बेसिकली एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर। आप कुछ भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट मेरे को कर देना, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। ओके सो थैंक्स अगेन, ओके प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ, ओके।